नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? होप सो मज़े में होंगे। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ अपने खीरे के खेत की तरफ, जहाँ जो खीरे की क्रॉप जो लगभग लगभग तैयार हो चुकी है, जिसको हमने एक बार निकाल भी दिया, तो इस साइज़ के जो खीरे तैयार हो चुके हैं। तो ये जो एक साइड वन साइड जो बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है, तैयार हो चुका है, तो इसकी हमने एक बार तुड़ाई कर दी है। इसकी तुड़ाई की थी, उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं कहीं बिजी था, काम में बिजी था, तो घर वालों ने इसकी तुड़ाई कर दी थी। तो ये वन साइड स्टेप जो है बिल्कुल तैयार, देख सकते कितनी हरियाली, कितनी ग्रीनेस, मतलब पूरा का पूरा खेत जो है ढक चुका है। तो ये देख सकते हैं इसमें जो फ्रूटिंग फ्लावरिंग, ये जो खीरे लगे हुए हैं, एक खीरा मैंने निकाला, ये देख सकते हैं अभी हाइब्रिड खीरे की खेती है, बहुत अच्छी क्रॉप है दोस्तों। तो फर्स्ट टाइम मतलब काफ़ी अच्छी फसल निकल गई, पहली बार निकालने में जो है काफ़ी अच्छी निकल गई। तो ये देखो एक एक प्लांट में जो भी छोटे छोटे कितने कितने खीरे तैयार हो रहे हैं। ये बिल्कुल इसको दूसरे तो तीसरे दिन जो निकालना पड़ता है, तो हर तीसरे दिन इसको जो है निकालेंगे। अब हम अच्छी क्रॉप है, अच्छी फसल है, लगभग पूरा खेत जो इसने प्लॉट जो कवर कर लिया, पूरा का पूरा भर दिया है। तो ये मैंने पहले बताया था आपको, मैंने जो स्टेपिंग की हुई थी खीरे की, वन साइड जो है तैयार हो चुका है, तो दूसरी साइड जो तैयार होने वाली है। तो दूसरी साइड के प्लांट भी जो देख सकते हैं हमने गुड़ाई की, ये प्लांट जो है अब इसको मिट्टी चढ़ानी है, एक बार पानी देने के बाद इसको मिट्टी चढ़ाएंगे, इसकी गुड़ाई की। तो गुड़ाई करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये पानी देने भी स्टार्ट कर दिया हमने इसमें, एक बार गुड़ाई की, उसके बाद जो पानी दे रहे हैं ये, इसको पाइप से पानी दे रहे हैं ये, गड्ढे भर भर के पानी दे रहे हैं। तो आपको पता है कि खीरा जो पानी का बच्चा होता है, जितना पानी दो उतनी फसल क्रॉप निकाल लो, निकाल जाओ आप उतनी फसल निकाल जाओ। तो ये खीरे के प्लॉट में जो अच्छे प्लांट लगे हुए हैं सारे, ये पूरा का पूरा जो प्लॉट लगभग लगभग तैयार है, ये भी 10 दिन बाद जो है तैयार हो जाएगा, 10 दिन में ये पूरा का पूरा प्लॉट जो भर जाएगा। तो ये आपके सामने जो भी है सब कुछ, तो जैसा कि मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि मेरा मकसद जो यूट्यूब से पैसे कमाना नहीं है, मेरा मकसद अपने यूथ साथी को, युवा साथियों को जागरूक करना, जिनके पास जो स्वयं के स्वरोजगार के साधन नहीं है, वो अपना स्वयं के स्वरोजगार के साधन स्वयं तलाश कर सकते हैं, जैसे कृषि करके, अपना अलग अलग काम करके, प्राइवेट सेक्टर में जो है बहुत पैसा है आजकल, आपको पता है दोस्तों, ये दो से तीन महीने का काम होता है। देख सकते हैं आप, मैंने अप्रैल में सब्जियाँ लगाई थी, तो अभी जो तैयार है, तो अभी जो सब्जियाँ तैयार है, तो इस दो अप्रैल से लेकर जुलाई तक हम जो है लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो है यहाँ से अर्न कर लेते हैं। तो मेरा यही मोटिव होता है कि लोगों को जो मतलब घर में रोज़गार के साधन तलाश कर रहे हैं, तो उनको जो है स्वयं के सब रोज़गार के साधन जो है स्वयं तलाश करें, अपने खेतों में जो काम कर सकते हैं, अपने मतलब सेल परचेज का काम कर सकते हैं, कृषि का काम कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, सेब लगा सकते हैं, जैसे कि आजकल आपको पता है कि सेब जो है हर सेक्टर में तैयार हो रहा है, जैसे यूपी और उत्तर प्रदेश और बिहार में भी दोस्तों लो डेंसिटी का जो सेब जो है, लो अल्टीट्यूड में जो है सेब की फसल तैयार हो रही है, जो कि फॉरेन कंट्री की फसल है, फॉरेन कंट्री के प्लांट है, जो कि मतलब डाउन एरिया में भी तैयार हो रहे हैं। तो आप जो कृषि मतलब बागवानी भी सेक्टर में भी जा सकते हैं, कृषि के सेक्टर में जा सकते हैं, जैसे जहाँ से आपको इनकम अच्छी लगे वहाँ आप जा सकते हैं। ये जो है नकदी फसलें होती है दोस्तों, इसमें जो 1 से 2 महीने में जो अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ये जो कृषि का, ये जो खेती बाड़ी का होता है, इसमें जो है सब्जियों वगैरह काफ़ी अर्निंग, अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो एक मैं अपनी याददाश्त के लिए भी बना रहा हूँ, ये जैसे कि कल को हम मर जाएंगे तो ये हमारी कई पीढ़ियाँ देखेंगी, ये तो एक संपत्ति होती है दोस्तों, वीडियो बनाना, यूट्यूब में अपलोड करना, ये एक संपत्ति अपनी जो है, एसेट्स है, इससे जो है, ये तो आपको हकीकत है कि आजकल सोशल मीडिया ही सब कुछ है, तो ये भी हमारी ज़मीन की तरह एक संपत्ति है, यूट्यूब में अगर आप वीडियो अपलोड कर देंगे तो, जैसे कि आप देखते हैं कि पुराने कितने पुराने जो है पिक्चर, जो फिल्में चली हुई है, कितने पुराने पुराने हीरो आज भी हीरो जो है, हीरो हीरोइन जो है आज भी अमर है उन पिक्चरों में। तो ऐसे ही मेरा मकसद जो है इससे यूट्यूब से जो पैसे अर्न करना नहीं है, ये एक युवा पीढ़ी को जागरूक करना है, जैसे मैं भी एक ही इसी काम पे डिपेंड नहीं हूँ दोस्तों, मैं भी जॉब करता हूँ, मैं भी जो है प्राइवेट सेक्टर में जो फाइनेंस का काम करता हूँ, जैसे गाड़ी गुड़ी का लोन करता हूँ, हम भी मतलब फुल टाइम काम नहीं करते हैं, पार्ट टाइम जॉब है ये जो आप इसको जो पार्ट टाइम जॉब से भी बिल्कुल अच्छी, काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे ये मेरा खीरे का प्लॉट ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसकी हमने तुड़ाई कर दी आज जो है 20 रुपये किलो के हिसाब से थोक में गया, परचून जो है
30 से 40 रुपये परचून बिक रहा है। तो जैसे आज मेरा थोड़ा जैसे हमारा माल ज़्यादा हो जाता है तो हम थोक में ही दे देते हैं, थोक आज 20 रुपये किलो के हिसाब से गया, तो इससे मुझे जो फ़ायदा है फ़ायदा। अब जो इसमें अर्निंग जो हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जैसे 1-2 महीने तो पहले लगाने पड़ते हैं, प्लांट को तैयार करना पड़ता है, तैयार होने के बाद इसमें जो अर्न है मतलब इनकम स्टार्ट हो जाती है, कमाई है दोस्तों, कमाई अच्छी कमाई हो जाती है, अगर रेट अच्छे मिले तो अच्छी कमाई होती है, मगर मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कमाई कहाँ से करोगे। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, अपना वक्त तो देना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए मेरा मेन मोटिव होता है कि अपने दोस्तों को जागरूक करना, जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं वो भी कृषि से जो है अर्निंग कर सकते हैं, वो भी अपने घर में खेतीबाड़ी कर सकते हैं। खेतीबाड़ी से काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है। जैसे आजकल नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कृषि प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा दे रही है, खीरा लगे हुए होता है, तैयार हो रही है सारी फसल, जो क्रॉप तैयार हो रही है। जैसे आजकल जो हिमाचल में भी जो सुभाष पालेकर की जो प्राकृतिक खेती है उसकी ओर बढ़ावा दे रहा है, ताकि लोगों को जो है कई बीमारियों से बचा जा सकते, जैसे इंसेक्टिसाइड या वैज्ञानिक या जो भी कृषि करते थे हम पहले, जो अभी जो मिश्रित खेती करता हूँ मैं, अभी भी मिश्रित खेती कर लेते हैं, पहले जो पूरे के पूरे उसमें डिपेंड होते थे, जैसे दवाई स्प्रे करना, खाद देना, आजकल हमने जो है बंद कर दिया उसको, जो आजकल हम जो नेचुरल को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं ताकि लोगों को जो बीमारियाँ ना लगे, इसलिए हम जो प्राकृतिक खेती को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ये मेरा खीरे का प्लॉट दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा मेन मोटिव होता है कि अपने दोस्तों को जागरूक करना, ताकि दोस्त जो है अपने बेले घर में फ्री ना बैठकर कुछ ना कुछ जो काम करते रहें। आप पशुपालन का काम कर सकते हैं, गाय पाल सकते हैं, मछली पालन का काम कर सकते हैं, कुक्कुट पालन का, मुर्गे पालन का काम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी इनकम है। आप घर में जो है एक छोटे से कैबिन में कमरा बनाकर मुर्गी पालन का भी काम कर सकते हैं, मछली पालन का काम कर सकते हैं टैंक बनाकर, और उसके अलावा बागवानी कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, गाय पाल सकते हैं, गाय से जो अच्छी आजकल आपको पता है 50 रुपए किलो जो दूध बिक रहा है, तो उससे भी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो ये मेरा साथ में टमाटर का प्लॉट, जैसे हम मैंने आपको जब इसकी रुपाई की थी उस टाइम बताया था कैसे इसकी रुपाई की जाती है, कैसे इसकी गुड़ाई की जाती है, निराई गुड़ाई की जाती है, कैसे इसकी जो है मिट्टी चढ़ाई जाती है, कैसे इसको जो लकड़ियाँ लगाई जाती है, कैसे इसको जो है जो भी काम करता हूँ मैं आपको जो है यूट्यूब के माध्यम से बताता रहता हूँ कृषि से संबंधित। तो मेरा यही मकसद है कि अपने दोस्तों को जागरूक करना, दोस्तों को बढ़ावा देना कि आप भी कुछ जागो, कुछ करो, मतलब फ्री के घर में ना बैठो और कुछ ना कुछ करो, इससे जो है अर्निंग हो रही है, अपने आप में भी बंदा बिजी रहता है, व्यस्त रहता है, और इससे जो गलत काम में ध्यान नहीं जाता, नशे की ओर जो नहीं खींचता बंदा। तो इस वजह से मेरा यही मकसद है कि लोगों को जागरूक करना और अपने आप को व्यस्त करना, बिजी करना कामों में। तो अगर आपको मतलब मेरे बोलने से किसी भाई को बुरा लगा हो या किसी के दिल में ठेस पहुँची तो मुझे माफ़ करिए, मेरा मकसद जो किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, लोगों को जो जागरूक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को जागरूक करना है, ताकि सभी जो अपने काम में व्यस्त होकर जो है अपना काम करें, स्वयं के सब रोज़गार के साधन जो है स्वयं तलाश करें। तो देख सकते हैं ये मेरा कृषि, अब इसमें जो अर्निंग स्टार्ट है, इसमें तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आ चुकी है, इसमें भी फ्लावरिंग आ चुकी है, तो इसमें तो फ्रूट भी आ चुका है, इस साइड जो है खीरे में फ्रूट आ चुका है, तो उस साइड जो निचली साइड जो तैयार हो रही है, क्योंकि मैंने इसकी स्टेपिंग की हुई है, जब एक बार एकदम तैयार हो जाएगा तो एकदम से रेट भी टूट जाता है, मतलब कभी कम रहता है रेट, कभी ज़्यादा रहता है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके जो है मार्केट में दे देंगे, तो उससे जो है रेट भी अच्छा मिल जाएगा और इनकम भी अच्छी हो जाएगी। तो आगे जो मक्की की बिजाई की थी, मैंने आपको बताया था कि रोटावेटर मतलब उससे पावर टिलर से बिजाई कैसे की जाती है, तो कृषि के नए नए टेक्निक के बारे में आपको यूट्यूब के माध्यम से बताता रहता हूँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, तो चैनल को जरूर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बेल आइकन के ऑल बटन क्लिक करें, ताकि आगे से जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप भी जागरूक हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय हिमाचल, जय किसान।